स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नाम का पुत्र हुआ। राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी उसमें उनका विशेष प्रेम न था, उससे उनका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज्य सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? ऐसा कथन सुनकर बालक कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल की ओर चल दिया। अपने पुत्र के कांपते होठों को देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर उसके क्रोध का कारण पूछा। ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखित सुनीति ने कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंद भाग्य है। तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं, ऐसा जानकर तू शांत हो जा। तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना भी मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्यों के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, ईश्वर करे ऐसा ही हो। माते, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। मां से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर एक उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृगचर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मग्लानी के कारण आपके निकट आया हूं। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें नहीं दिखाई देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती,
तब तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वो सब उसने ऋषि को कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। एक क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि हो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार से ये बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। ऋषि मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है, ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। ऋषि अंगिरा ने कहा, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उस गोविंद की आराधना कर। पुलस्त जी बोले, जो पर ब्रह्म, परम धाम और पर स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह जी बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। कृतुऋषि बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोक की उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। इस पर ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए ये बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटाए और उसे एकमात्र उन जगत आधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ, पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयं भुव मनु ने जपा था, तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। ये सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चला गया। अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देवदेव श्रीहरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की।
मरीचियादि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री भगवान विष्णु का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों का धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। उस समय नदी नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कूष्मांड नामक उपदेवताओं ने अनेक रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। माया से रची हुई सुनीति ने कहा, बेटा तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों के कारण छोड़ देना तुझे उचित जान नहीं पड़ता। बेटा मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहां तो 5 वर्ष का तू और कहां तेरा यह अति उग्र तप। इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा तुझ सुकुमार बालक का जो खेलकूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग। यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो देख तेरे सामने मैं ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तत्पश्चात, अरे बेटा यहां से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वो चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षस गण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकाली और घोर नाद किया। वे राक्षस गण भी इसको मारो मारो काटो खाओ इस तरह चिल्लाने लगे। फिर सिंह ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए अनेक प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवदासक्त चित्त बालक को वे राक्षस उनके शब्द और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी नहीं दिखाई दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रय भूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ, अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं।
आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा की पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय को शांत कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूं। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्रादि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूं। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूं। अब तो अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, श्रांग, धनुष और खड़ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूं, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त से व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवन, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूं। किंतु हे परम प्रभो, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंधादि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूं। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था
वह तो आपने सफल कर दिया। और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे अवश्य ही तुम्हारी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुमको जिस वर की इच्छा हो वह मांग लो। ध्रुव बोला, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूं, उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूंगा। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझसे ये कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूं जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालक करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूं। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभुव मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहां जन्म लिया। अरे बालक, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्गादि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में, जो त्रिलोकी में भी सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूं जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल चार युग तक और कोई एक मन्वंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूं। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुणगान, तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये कहा, अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रय भूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है।